हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो यूट्यूब चैनल में मेरा बनने जा रहे हैं गाजर, बीन्स, आलू, शिमला मिर्चा का सब्ज़ी। तो देखिए, यहाँ पर हम बारीक बारीक काट के रख लिए हैं। एक प्लेट में है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। तो चलते हैं हम सब्ज़ी बनाने। देखिए, तो यहाँ पर हम एक ठो कढ़ाई ले लिए हैं, इसमें 2-3 चम्मच हम तेल डाल दिए हैं। अब इसमें देंगे 5 फोरन दे दिए हैं। अब देंगे हरी मिर्च, अब देंगे हम प्याज, तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का हल्का ब्राउन होगा, गोल्डन ब्राउन। तो देखिए, मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम देंगे आलू, आलू दे दिया। इसी में दे देंगे बीन्स, अब इसको देकर अच्छे से हम चला देंगे। तभी इसी में डाल देंगे गाजर, इसी में डाल देंगे शिमला मिर्चा। सभी को मिलाकर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से भुजा जाएगा तब इसमें हम देंगे मसाला। तो इसको दो तीन मिनट हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, मेरा भुजा गया है, 2 से 3 मिनट हो चुका है, अच्छे से भुजा गया है। अब इसमें देंगे मसाला। तो देखिए, यहाँ पर हम मसाला लिए हैं। ये हैं लाल मिर्चा, ये हैं गरम मसाला, ये हैं धनिया पाउडर, ये हैं जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच तो हैं सब। अब इसको हम डाल देंगे। सभी मसाला को हम डाल देते हैं। अब इसी में हम दे देंगे टमाटर। अब इसे सब मिलाकर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, मेरा मसाला अच्छा से भुजा रहा है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक मसाले को खूब अच्छे से हम भुजेंगे। तब तक ले हम इसको ढक्कन लगा दे रहे हैं। 2 से 3 मिनट अच्छे नरम आंच पर इसको भूजेंगे मसाला को अच्छे से। हम ढक्कन लगा दिए हैं, फिर 2 मिनट बाद। देखिए, मेरा 2 से 3 मिनट हो गया है, हम देख रहे हैं कैसा हुआ है मेरा सब्ज़ी। तो देखिए, अच्छे से भुजा गया है। अब इसमें हम चला के देखते हैं। तो चारों तरफ से हल्का हल्का तेल छोड़ दिया है। तो देखिए, अब हम इसमें नमक देंगे 1/4 चम्मच। तो 1/4 चम्मच इसमें नमक देंगे। देखिए, 1 चम्मच नमक दिए हैं, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और दे दे रहे हैं। अब इसमें हम दे देंगे पानी, क्योंकि मेरा सब्ज़ी बहुत अच्छे से भूज आ गया है और चारों तरफ से तेल छोड़ रहा है। तो देखिए, मेरा मिक्स सब्ज़ी बन अच्छे से भूज आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब इसमें हम देंगे पानी। देखिए, पानी दे दिए। देखिए, अब पानी दे दिए हैं। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। तो देखिए, मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। तब ये मेरा कितना अच्छा आलू, गाजर और बीन्स, शिमला मिर्चा का सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गया है। तो अब इसको हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और एक कटोरा में चाहे प्लेट में हम सर्व करके आप लोग के दिखाते हैं। तो देखिए, एक कटोरा में हम सर्व कर लिए हैं। अगर मेरा बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, आलू का सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है। एक बाटी में हम सर्व कर लिए हैं।
अगर मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के संग में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।